नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल भारत। में राकेश, मेट्रो सिटी की तर्ज पर अब पटना में भी पैदल यात्री बटन दबाकर जेब्रा क्रॉसिंग से सड़क पार करते हुए नजर आएंगे। ये नई व्यवस्था अब लागू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद वैसे लोग जो पैदल यात्री हैं, उन्हें सड़क पार करने में किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि एक बटन पुश करने के बाद आप जेब्रा क्रॉसिंग के जरिए सड़क को आसानी से बिना परेशानियों के साथ पार कर सकेंगे। तो क्या ये ट्रैफिक सिग्नल, क्या ये पुश बटन कैसे सड़क को जेब्रा क्रॉसिंग को पार करते हुए आप सड़क पार कर सकेंगे सुरक्षित तरीके से, आइए विस्तार से हम आपको समझाते हैं। पटना में इस नई व्यवस्था को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने पुश बटन पेडेस्ट्रियन सिग्नल नाम देते हुए इसे लॉन्च किया। महानगरों की तर्ज पर अब पटना के पैदल यात्री भी बटन दबाकर जेब्रा क्रॉसिंग कर सड़क पार करेंगे। पटना में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है, जिससे शहर के पैदल यात्रियों को अब सड़क क्रॉस करने में कोई परेशानी नहीं होगी। पहले चरण में ये व्यवस्था पटना के ऐसे इलाकों में की गई है जहां लोगों के साथ ही गाड़ियों की भी आवाजाही सबसे अधिक होती है। पटना के हड़ताली मोड़, पुनाईचक और पटना जू के गेट संख्या 1 पर पुश बटन सिग्नल लगाए गए हैं। इस बटन की मदद से अब पैदल यात्री जेब्रा क्रॉसिंग से आसानी से सड़क पार कर सकेंगे। पटना में इस नई व्यवस्था को नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव आनंद किशोर ने पुश बटन पेडेस्ट्रियन सिग्नल नाम देते हुए लॉन्च किया। पटना में ये नई व्यवस्था कई सड़कों से रेड लाइट हटने के बाद की गई है। हाल ही में पटना के सगुना मोड़ से इनकम टैक्स तक ट्रैफिक लाइट को हटाया गया, जिसके बाद से गाड़ियों की रफ्तार बढ़ गई है। पुश बटन सिस्टम की बात करें तो इसके तहत सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक सिग्नल का एक एक पोल लगाया गया है। इसे मास्टर कंट्रोल सिस्टम से जोड़ा गया है। इसके साथ ही सड़क के दोनों ओर एक एक पुश बटन लगाए गए हैं। भारी ट्रैफिक से बचते हुए रोड क्रॉस करने के लिए लोगों को खंभे पर लगे पुश बटन को दबाना होगा। पुश बटन दबाने के बाद वेट का सिग्नल जलेगा और 5 मिनट बाद सड़क पार करने का इंडिकेटर जलना शुरू होगा। इस नई व्यवस्था के तहत 40 सेकंड के लिए पैदल यात्रियों को ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन दिखेगा और सड़क से गुजर रहे गाड़ियों के लिए सिग्नल रेड हो जाएगा और इस तरह आप सड़क को आसानी से पार कर सकते हैं। और नेशनल भारत पे खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए देखते रहे नेशनल भारत, साथ ही हमारे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।